पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से डरकर घरों में दुबका है, लेकिन देश का पेट भरने वाले ये कहते हुए खेतों में उतर गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मुंह पर मास्क या गमछा लपेटे एक दूसरे से दूरी बनाए ये किसान फसल काटने में जुट गए हैं। मुश्किल ये है कि लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे और किसानों को इन लंबे चौड़े खेतों में गेहूं की कटाई के लिए पूरे परिवार के साथ जुटना पड़ गया है। गेहूं तो पक चुके हैं, लेवल मिल नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए साहब अब गेहूं तो अब पक गए बिल्कुल नहीं, तो अपने घर के ही लोग सारे लोग लग के दूराई बना बना के और अपना काम चला रहे साहब। दूर मिलते नहीं है इसलिए अपने घरों घरों में लेके काटते हैं। मजदूर कहाँ चले गए? क्या मजदूर कोरोना की वजह से नहीं मिलते हैं साहब। किसी प्रकार से अपनी फसलों को बचाना चाह रहे हैं और केवल इस खेती बची जाएगी तो खाने के लिए तो होगा कम से कम। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, खाने के लिए सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, लोग शहर में जा नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बाराबंकी का ये मसौली गांव है जहां किसान महिलाएं गेहूं की खड़ी फसल काट रही हैं। तेज गर्मी है जिससे फसल पक चुकी है, अगर फसल नहीं काटी तो खराब हो जाएगी और फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। कोरोना के बचने के लिए से, कोरोना है तो इसके बचने के वजह से एक मीटर दूरी बनाने से हम अपन काम मंजूरी धतूरी कर रहे थे। हम इमा कटबे ना तो कैसे हमारे बच्चे जिएंगे? हमरे घर पर खाए गए है नहीं, खेती किसानी है नहीं, तो मंजूरी धतूरी काट कर एक मीटर दूरी बना के मंजूरी कर तो हमको लड़का जी आना है, बच्चे जी आना है। चंदौली में भी किसानों को लॉकडाउन के दौरान फसल कटाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के डर से कटाई के दौरान दूरी बनाकर रखी जा रही है, लेकिन मजदूर न मिलने से किसान हार्वेस्टर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कटाई की कीमत बढ़ गई है। किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार दिए की लौ जलाकर खुश है कि किसानों के चेहरे इसकी रोशनी से खिल उठेंगे। महामारी, भूख, प्यास सब दूर हो जाएगी। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, इटावा से साबिर शेख और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।